शेयर बाजार में पिछले दो दिनों से वोडाफोन आइडिया के शेयर में काफी उथल पुथल देखी जा रही है। कल वोडाफोन आइडिया के शेयर में 20% का लोअर सर्किट लगा था और आज इस शेयर में 10% का अपर सर्किट लगा है। अब सवाल इस बात का है कि कल की तेज बिकवाली के बाद आज ऐसा क्या हुआ कि निवेशकों ने वोडाफोन आइडिया में खरीदारी शुरू कर दी। वोडाफोन आइडिया का शेयर आज 9% बढ़कर 12.85 रुपए पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये शेयर 13% से ज्यादा मजबूत होकर 13.20 रुपए पर पहुंच गया था। अब आपको बताते हैं कि वोडाफोन आइडिया में आज खरीदारी क्यों हुई। वोडाफोन आइडिया में खरीदारी कंपनी के सीईओ की सफाई के बाद आई है। वोडाफोन आइडिया की ओर से जानकारी दी गई है कि कंपनी में सरकार का भले ही सबसे ज्यादा हिस्सा होगा, लेकिन सरकार न तो बोर्ड में शामिल होगी न ही कंपनी के ऑपरेशंस में सरकार का कोई दखल होगा। वोडाफोन आइडिया का ऑपरेशन और सब कुछ कंपनी पहले की ही तरह चलाएगी। सरकार कंपनी में 35.80% हिस्से की मालिक होगी। सरकार का कोई भी अधिकारी इसके बोर्ड में शामिल नहीं होगा। यही नहीं, ज्यादा हिस्सेदारी होने के बाद भी इसे सरकारी कंपनी नहीं बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जब वोडाफोन आइडिया स्थिर हो जाएगी, यानी इसका कर्ज और सब कुछ सही रास्ते पर आ जाएगा, तब सरकार इसमें से निकलने की योजना बना सकती है। सरकारी राहत पैकेज के तहत कंपनी ने सरकार को कर्ज के बजाय इक्विटी देने का फैसला किया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी डॉट इस बारे में वित्त मंत्रालय से जल्द ही चर्चा करेगा ताकि कर्ज को इक्विटी में बदलने की प्रक्रिया पूरी हो सके। इसके पीछे की रणनीति सरकार की यही है कि निवेशकों का विश्वास कंपनी में बना रहे। वोडाफोन आइडिया में सरकार की एंट्री के बाद मौजूदा शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी घट जाएगी। इस फैसले के बाद वोडाफोन पीएलसी की हिस्सेदारी कंपनी में 44.39% से घटकर 28.50% पर आ जाएगी, जबकि आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी 27.66% से घटकर 17.8% पर आ जाएगी, तो वहीं सरकार की हिस्सेदारी 35.8% होगी। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में राहत पैकेज के तहत एजीआर बकाए के लिए 4 साल का मॉरेटोरियम दिया था। अगर कोई कंपनी 4 साल बाद भी एजीआर बकाए का ब्याज सहित नहीं चुकाना चाहती तो बकाए को इक्विटी में बदलने का विकल्प दिया गया था। एयरटेल ने एजीआर बकाए को इक्विटी में बदलने का विकल्प नहीं चुना, जबकि वोडाफोन आइडिया ने इसे चुन लिया। सरकार को वोडाफोन आइडिया 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से शेयर देगी। वोडाफोन आइडिया अभी देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। जियो के 44.38 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, एयरटेल के 20.02 करोड़ और वोडाफोन आइडिया के 12.35 करोड़ ग्राहक है। वोडाफोन आइडिया पर इस वक्त 1.90 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें से बैंकों के 35,000 करोड़ रुपए का बकाया भी शामिल है और अब वोडाफोन आइडिया नई पूंजी जुटाने की कोशिशों में जुटी हुई है।